नीदरलैंड को हराकर भारत ने जीता वर्ल्ड कप 2023 का एक और शानदार मुकाबला। विराट कोहली ने विकेट लेकर रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और नीदरलैंड के बीच आज वर्ल्ड कप 2023 का एक बेहद ही शानदार मुकाबला खेला गया, जहाँ पर भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तो दोस्तों, हम आपको इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम की इस शानदार जीत को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। बात करें यहाँ पर आज के मुकाबले के टॉस की, तो रोहित ने सिक्का उछाला और गिरा भी रोहित के ही पक्ष में। रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया बगैर किसी बदलाव के मैदान पर उतरी, तो वहीं पर शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी नीदरलैंड। टीम इंडिया की तरफ से रोहित और गिल पारी की शुरुआत करने उतरे, तो पहले ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने कमाल का शॉट खेलते हुए बैकवर्ड्स कर्ले की तरफ शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद उसको पहले ओवर की ही तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और कमाल का शॉट ठीक उसी प्रकार से देखने को मिला। बैक टू बैक एक ओवर में दो चौके उन्होंने जड़ दिए, लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका ऑफ साइड की तरफ देखने को मिला, जो कि एक कमाल का शॉट था। इसके बाद दोस्तों, इस मुकाबले का पहला छक्का शुभमन गिल के बल्ले से तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने आर्यन दत्त की गेंद को कमाल का शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से 95 मीटर दूर एक कमाल के छक्के के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद रोहित भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी पाँचवें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए दो बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले, जहां पर एक चौका उन्होंने मिड ऑफ की तरफ जड़ दिया, तो एक चौका शानदार कट के जरिए कवर की तरफ 4 रनों के लिए भेजा। इसके बाद छठे ओवर में भी शुभमन गिल की दमदार बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां पर शुभमन गिल ने छठे ओवर की पहली गेंद पर एक कमाल का चौका जड़ दिया और इस बार गेंद को बैकवर्ड्स करले की तरफ 4 रनों के लिए भेजा। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला, जहां पर उन्होंने एक बार फिर फाइन लेग की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए भेजा और इस बार 60 मीटर का छक्का उनके बल्ले से निकला। तो वहीं पर इसी ओवर के आखिरी गेंद पर एक और शानदार चौका उनके बल्ले से निकला, जिसके चलते 16 रन इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने बटोर लिए। तो वहीं पर रोहित शर्मा के बल्ले से पहला छक्का 7वें ओवर की चौथी गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने एकरमैन की गेंद पर कमाल का शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला और गेंद को 92 मीटर दूर 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया, और इसी के साथ एक साल में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। तो वहीं पर 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और कमाल का छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला, यहाँ पर भी उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं पर 10वें ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेलते हुए इस बार भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 82 मीटर दूर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद उनके बल्ले से एक और कमाल का शॉट भी देखने को मिला, जब 10वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया और भारतीय टीम के लिए कमाल की शुरुआत करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती 10 ओवर में ही 91 रन जोड़ दिए बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों, 12वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। आज इनकी तूफानी बल्लेबाजी रही, जहां पर मात्र 30 गेंदों पर ही इन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम इंडिया के लिए मात्र 72 गेंदों पर ही दोनों बल्लेबाजों ने शतकीय साझेदारी कर डाली। इसके बाद दोस्तों, शुभमन गिल एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर, लेकिन यहाँ पर तेजा निदामारो के एक बेहतरीन कैच ने पेवलियन भेज दिया शुभमन गिल को। शुभमन गिल 32 गेंदों पर 51 रनों की शानदार पारी खेलकर पेवलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, रोहित शर्मा की बारी थी, तो उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित शर्मा का एक और कमाल का अर्धशतक यहां पर देखने को मिला। इसके बाद उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और एक स्लॉग स्वीप के जरिए उन्होंने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक कमाल का छक्का और जड़ दिया। अब वो रोहित शर्मा को विराट कोहली के साथ मिलकर टीम के स्कोर को काफी शानदार तरीके से आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन तभी दोस्तों, यहां पर भारतीय टीम को 18वें ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा के रूप में एक और झटका लगा। यहां पर बरसे ने बेहतरीन कैच पकड़ा और रोहित शर्मा शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहां पर 54 गेंदों पर 61 रनों की पारी खेलकर वो पेवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद सुरेश अय्यर और विराट कोहली के बीच अब साझेदारी की बेहतरीन उम्मीद थी। आते ही एक चौका सुरेश अय्यर ने लगाया, लेकिन इसके बाद 21वें ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर तो उन्होंने कमाल का छक्का जड़ दिया और भारतीय टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद इसी ओवर की अगली गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर विराट कोहली और सुरेश अय्यर की ये दमदार बल्लेबाजी जारी रही। 26वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला।
इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली ने एक और चौका 26वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी जड़ दिया। यहां पर भी गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी कर डाली, जहां पर 48 गेंदों पर 50 रनों की साझेदारी हुई, जिसमें सरेश अय्यर का योगदान कम रहा। लेकिन इसके बाद उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और कमाल का चौका उन्होंने मिडविकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से लगा दिया। तो उसके बाद एक शॉर्ट गेंद पर उन्होंने एक और कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों काफी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 28वें ओवर की आखिरी
वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड की टीम की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही और शानदार गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया को पहली सफलता मोहम्मद सिराज ने दिलाई, जहां पर विकेट कीपर केएल राहुल ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा और बरसे का विकेट यहां पर मिल गया टीम इंडिया को। इसके बाद उसने यहां पर शानदार गेंदबाजी जारी रही भारतीय गेंदबाजों के, लेकिन इसी बीच दूसरे विकेट के लिए बेहतरीन पार्टनरशिप खड़ी कर डाली। शानदार बल्लेबाजी करते हुए एकरमैन और मैक्स डाउड ने दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 50 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। लेकिन इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया को एक और सफलता यहां पर एकरमैन के रूप में मिली, जब कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 13वें ओवर की पहली गेंद पर उनको LBW आउट करके पेवलियन भेजा। उन्होंने 32 गेंदों पर 35 रनों की पारी खेली और कुलदीप को अपना विकेट थमा बैठे। इसके बाद दोस्तों अगली सफलता के लिए भारतीय टीम को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और 16वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने मैक्स डाउड को बोल्ड करके पेवलियन भेज दिया। वो भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अंत में रविंद्र जडेजा का शिकार बने। मैक्स डाउड की बात करें तो उन्होंने 42 गेंदों का सामना करने के बाद 30 रनों की पारी खेली और वो भी पेवलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद एंगल व्रेथ के साथ मिलकर कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन इसी बीच यहाँ पर विराट कोहली की एक कमाल की गेंद पर 25वें ओवर की तीसरी गेंद पर वो भी अपना कैच केएल राहुल को थमा बैठे और कप्तान का विकेट लेकर शानदार गेंदबाजी का परिचय दिया यहां पर विराट कोहली ने, और लंबे समय के बाद एक सफलता विराट की झोली में भी गई। शानदार गेंदबाजी रही यहां पर विराट कोहली की और यहां पर पेवलियन भेज दिया एडवर्ड्स को, जिन्होंने 30 गेंदों पर 17 रन बनाए। इसके बाद जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी जारी रही और उन्होंने बस डेलेडे को बोल्ड करके पेवलियन भेजा, जिन्होंने 21 गेंदों पर 12 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद एक और सफलता टीम इंडिया को एंगल ब्रेथ के रूप में दिलाई, यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने और उनको बोल्ड करके पेवलियन भेजा। उन्होंने 80 गेंदों पर 45 रनों की पारी खेली। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर तेजा निदानमारू ने शानदार बल्लेबाजी एक छोर से जारी रखी तो उनका अच्छा साथ दिया वैन बिक ने, लेकिन अंत में जाते हुए यहाँ पर यह मुकाबला एक बार फिर टीम इंडिया की झोली में ही आया। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी टक्कर जरूर देने में कामयाब हुई बाकी टीमों के हिसाब से देखा जाए तो नीदरलैंड की टीम, लेकिन आखिरकार टीम इंडिया ने अपना लगातार 9वां मुकाबला जीत लिया वर्ल्ड कप 2023 में। तो दोस्तों भारतीय टीम की यह शानदार जीत आज आपको कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।